चतुर गोपाल उनसे मिलने चलो यार देखो और हंसो यार गोपाल चतुर गोपाल। समझाऊं अरे बाबा वो भी तो मैं ही देखूंगा है कि नहीं है? फिर भी मतलब अरे इतना मतलब मत क्या करो, जो भी मैंने कहा है वो याद रहे बस। क्यों खड़ा नहीं हो रहा? मुझे खड़ा होने के लिए कहा है क्या? ओ पंडित जी देखिए ना, नेपला खड़ा नहीं हो रहा है कान पकड़ कर। क्या हो रहा है यहाँ? पढ़ाई के मामले में तो सब लोग गधे हो, चलो सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ। देखा ना कैसा मजा आया। रुक जा, छुट्टी होने दे, उसके बाद तेरी हालत खराब करती हूँ, समझे? ए पुटी, चल एक पैर पे खड़ी हो। एक पैर पर क्यों? तेरे भेजे में कुछ होगा तो समझेगी ना। तूने देखा नहीं, पंडित जी ने एक उंगली उठाकर दिखाया, मतलब एक पैर पे खड़े होने के लिए कहा। तू चुप कर, सिर्फ बकवास करता रहता है। रुक जा, चखाता हूँ मजा। पुटिए पंडित जी देखिए ना, पुटी एक पैर पे खड़े नहीं हो रही है। अब क्या हुआ गुलटे? पंडित जी तो सो सो कर सपने देख रहे हैं। अरे मर गया। अरे ये क्या हुआ रे गुलटे? अरे बाप रे, अब क्या होगा? पंडित जी की सांस अटक गई है। अरे जाना, खड़ा क्यों है? पानी लेकर आना। पानी डाल दे सिर पर। दे रहा हूँ। कौन? तू नेपला? नहीं, मेरा मतलब मैं नहीं था, मैंने नहीं डाला। मैंने अपनी आँखों से देखा, तूने मुझ पर पानी डाला, पर तू? वो इसलिए क्योंकि गुलटे ने कहा था। मैंने तुझसे पानी लाने कहा था, पुटी ने तो डालने के लिए कहा था। नहीं पंडित जी, सारा कुछ उस गुलटे ने ही कहा था। एक जन से पानी लाने के लिए कहा और दूसरे से डालने के लिए कहा और तूने डाल दिया है ना? सच में तुम लोग कर भी सकते हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पूजा की छुट्टियों से पहले क्या होगा तुम लोगों का। हमारा भला क्या होगा? पूजा की छुट्टियों से पहले कुछ दिन मैं नहीं रहूंगा, इसलिए सोच रहा हूँ कि तब तक तुम लोगों की इन शैतानियों का क्या होगा। क्यों, भला कहाँ जाओगे? अपने पिताजी का पिंड दान करने के लिए गया जिला जाऊंगा। तो फिर क्या हम लोगों की पाठशाला बंद रहेगी? नहीं, बल्कि नए पंडित जी आएंगे। क्या? नए लेकिन क्या पूजा से पहले कुछ दिन पाठशाला बंद रहेगी? क्यों मंत्री? नहीं महाराज, अगर पाठशाला बंद रहेगी तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा ना महाराज। वाह वाह, मंत्री और आज पढ़ाई के बारे में सोच रहा है। हाँ महाराज, उनकी पाठशाला पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। तो फिर तो हमें एक पंडित की जरूरत पड़ेगी। क्यों? हाँ, वो तो चाहिए ही। हाँ तो पंडित, जरा तुम पता करके देखो कि तुम्हारे जान पहचान में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाठशाला चला सके। हाँ, जरूर होगा। क्यों है ना पंडित? हाँ, मतलब है। अरे, आखिर बात क्या है? मंत्री जबरदस्ती पंडित से ये क्यों कहलवा रहा है?
पता नहीं चल रहा। वाह 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 वाह, अगर पंडित के खुद की पहचान का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये था तो फिर और देर मत करो पंडित, तुम्हारे पंडित दोस्त को जल्दी से लेकर आ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पंडित, मामला जैसे पहले से ही तय कर लिया गया है, कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। पैसे कहाँ है, पैसे पैसे ये रहा। वाह, अब सुनो, कल दरबार में चले आना सुबह सुबह, समझे? ठीक है। लेकिन मतलब कुछ पता नहीं चला, कुछ समझ नहीं आया, सीधा चला हूँ दरबार में, इसलिए कह रहा था कि। अरे ज्यादा समझने के लिए तुमसे किसने कहा? फिर भी मैं पंडित बनकर जा रहा हूँ ना। वाह 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 वाह, पंडित बनकर बच्चों को शिक्षा देकर जैसे तुम उन्हें पंडित बना दोगे? नहीं, मेरा मतलब है कि असल में। ए, इतना मतलब मत किया करो, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनो और वैसे ही चलो, समझे तुम? अच्छा, ज्यादा अच्छा अच्छा किया ना, तो पता है ना क्या होगा है? अरे वो भला पता नहीं होगा। अरे इतना डर क्यों रहे हो? अरे पढ़ाने वढ़ाने का कोई काम नहीं वहाँ पर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सिर्फ बैठकर सोना है और महाराज के पास से पाठशाला को चलाने के लिए पैसे लेकर आना है, बस इतना काम है। अरे ये मंत्री उससे क्या बोल रहा है? हाँ? अच्छा अच्छा, पैसे लेने के लिए मैं जाऊंगा ना महाराज के पास? नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा। पहले मैं महाराज के पास से पैसे लूंगा और उसके बाद उसमें से तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा मैं, समझे तुम? ठीक है। जरूर, यहाँ पर भी पैसे खाने का इरादा है। नहीं नहीं, मंत्री और ये नए पंडित की जोड़ी तो तोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन 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 मैं इसे कैसे तोड़ूं ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये हैं तुम्हारे नए पंडित? हा? हाँ महाराज, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो अब मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ महाराज। हाँ, लेकिन सावधानी से जाना। तो फिर महाराज, पाठशाला दिखा कर आता हूँ मैं हमारे नए पंडित जी को, क्यों महाराज? ओह, इसका उत्साह तो देखो है। वो तो करना ही पड़ेगा। चलिए चलिए पंडित जी, आइए मैं आपको पाठशाला दिखाई देता हूँ, आइए आइए आइए। मैं भी जाता हूँ मंत्री के पीछे पीछे जाता हूँ। हाँ, इसकी क्या योजना है अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो बच्चों, तुम लोग 50 से 100 तक की वर्तनी लिखो, समझे? बातें या बदबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है? हाँ लिखो, लिख कर दिखाओ, मुझे नींद आ रही है। ये क्या रे, नए पंडित जी तो भाषण देकर ही सर्राटे मारने लगे, क्या है ये? हाँ सच कहो। पंडित जी, ओ पंडित जी, देखिए क्या कर रहे हैं। तो अब देख, कौन क्या कान, किसकी इतनी हिम्मत हुई, किसकी इतनी हिम्मत हुई? ये गुलटे ने किया है पंडित जी। क्या रे, तेरी इतनी हिम्मत मेरे नाक में तूने गुदगुदाया? तो क्या करूं, वरना अपनी नींद ही नहीं खुलती, और इधर नेपला मेरे सर में मारकर मेरा पूरा सर दुखा दिया, देखो ना पंडित जी। क्यों रे, तुम लोगों को कहा था ना बदमाशी बिल्कुल मत करना। आई आई आई, सब के सब खड़े हो, चलो सब के सब खड़े हो। आप देख कैसा मजा चखाता हूँ, देख। अरे मुझे छोड़ दीजिए, अरे बाप रे, कितना मार रहे हैं। नहीं करूँगा पंडित जी, नहीं करूँगा। फिर ऐसे मारा है? और पूछो मत गोपाल दादाजी। किसे पता कहां से ये नए पंडित जी आए हैं दादाजी? पूजा की छुट्टियां शुरू होने में और कितने दिन बाकी हैं गुलटे? करीब 1 हफ्ता और। अरे बाप रे, इसका मतलब अब और 1 हफ्ता इस तरह बेधड़क मार खाना पड़ेगा, है ना? तुम लोगों के उस नए पंडित का कुछ किया जा सकता है, लेकिन
लेकिन उससे पहले तुम लोगों को एक काम करना पड़ेगा बच्चों। हाँ कौन सा काम? सुनो अभी बताता हूँ। लेकिन कब करना होगा? हाँ हाँ वो भी तुम्हें मैं जल्द ही बता दूंगा। महाराज हमारे नए पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। वाह वाह। तो वो कह रहे थे कि बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ नई किताबें खरीदनी पड़ेंगी महाराज। ऐसा है क्या? लेकिन साल के बीचों बीच नई किताबें, ये कुछ ना, मेरा मतलब वो किताबें फट गई है ना, तो इसलिए। तो कितने पैसे चाहिए खरीदने के लिए? ज्यादा नहीं, करीब 100 से 200। बस ये पैसे जरूर मंत्री खा जाएगा। ये। और एक बात थी महाराज। सुनो तुम्हारी ये बातें ना एक साथ बोल दिया करो, गाय के घास चबाने के जैसे धीरे धीरे मत बोला करो, समझे? तो ठीक है समझ गया। हाँ जो कह रहा था ना मैं महाराज कि हमारे नए पंडित जी अपनी तनख्वाह मांग रहे थे महाराज। लेकिन महाराज अभी तक तो महीना पूरा नहीं हुआ है। असल में वो यहाँ पर नए हैं ना, तो उनको बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, इसलिए कह रहे थे। वैसे भी पूजा भी आ रही है ना पास में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो पैसे। लो ये भी गया मंत्री जी की जेब। तो इस बार मुझे मेरा खेल शुरू करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सच में मंत्री जी हमारे नए पंडित जी सही में बहुत अच्छे हैं, समझ गए ना महाराज? हैं समझ गए ना आप? तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं अभी नहीं, मंत्री जी ने ही तो कहा ना कि इसलिए कि मैं ये कह रहा हूँ। आप अपनी आंखों से देखे बिना विश्वास बिल्कुल नहीं कर पाएंगे महाराज। ये क्या गोपाल भला ऐसे बात क्यों कर रहा है? उसे संदेह तो नहीं हो गया है? तो फिर तो एक बार जरूर अपनी आंखों से देखना चाहिए। लेकिन कब जाऊँ बताओ तो जरा गोपाल। वो उसे आप गुप्ती रहने दीजिए। हाँ अब हो सकता है कोई जाकर नए पंडित जी को खबर दे दे और उसे सुनकर नए पंडित जी बच्चों को पढ़ाना छोड़कर आपके कार्य में व्यस्त हो जाए। ऐसा तो आप मुझे लगता है बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना महाराज। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जो भी हो बच्चों की पढ़ाई को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है ना, क्यों? फिर तो उसे पहले से ही सावधान कर देना होगा, नहीं तो गोपाल के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है किसे पता भला। सुनो महाराज किसी भी दिन पाठशाला आ सकते हैं ये देखने के लिए कि तुम कैसे पढ़ा रहे हो। ये सब क्या कह रहे हैं मंत्री जी? घबरा क्यों रहे हो? अरे पाठशाला में सो ना, बस सब ठीक हो जाएगा। और पढ़ाई? अरे उसके लिए किताब है ना, बस देख कर पढ़ाना और अगर फंस गए तो कहना कल बताना, समझे तुम? अच्छा समझे गोपाल, अगर मंत्री की बात सच हुई तो फिर मेरे दिमाग में एक बात है। क्या आपके दिमाग में भी कोई बात है? सोचता हूँ कि हमारे पंडित के वापस आ जाने के बाद ही इसे रखी लूंगा। फिर तो बहुत अच्छा होगा। हे भगवान आज की परीक्षा अच्छे से निकल जाए बस। आइए आइए हम लोग बस पहुँच गए हैं महाराज। रुको रुको हम अंदर नहीं जाएंगे, मैं खिड़की में छुपकर देखूंगा कि वो क्या सिखा रहा है, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा खांस लेता हूँ, गुलटे और उसके साथियों को इशारा मिल जाएगा और वो अपना काम शुरू कर देंगे। अरे कौन है यहाँ, कौन है? कोई नहीं है पंडित जी, आप पढ़िए। अरे नेपला चल अपना काम शुरू कर जल्दी से। गोपाल दादाजी आ गए हैं। पंडित जी की वर्तनी कैसे लिखते हैं जरा बताएंगे? मुझसे नहीं हो रहा। मर गया रे। कल बता दूंगा। ठीक है। नहीं पंडित जी आज अगर मैं नहीं लिखवा कर ले गया तो माँ बहुत डांटेगी। दीजिए पंडित जी, दीजिए ना। नहीं दीजिएगा। मर गया रे, अब क्या होगा? यही तो अब समझ में आएगा कि हमारे नए पंडित कैसे पढ़ाते हैं।
असल में महाराज इतना पढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी बहुत गलती तो होती ही है ना। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना मंत्री जी? बोलिए बोलिए। हाँ वही, गोपाल क्या करना चाह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। है? मुझे भी एक बर्तनी लिख कर देना पड़ेगा पंडित जी। और ये सब कुछ सीख लेना चाहते हैं बच्चे? उनसठ का बर्तनी जरा बता दीजिए ना। क्या कहा? ये अगर कल बता देता हूँ तो नहीं होता। अच्छा, ये नए पंडित सिर्फ कल पर ही क्यों डाल रहे हैं, जरा बताओ। वो शायद मंत्री जी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्यों, सही कहा ना? मैं हाँ, लाना बंद करो और पहले क्या लिखते हैं ये देख लो। दीजिए ना पंडित जी, मुझे भी लिखने में बहुत तकलीफ हो रही है। ए भगवान, क्या लिख रहा हूँ क्या पता। ची 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 ची, ये वाला भी होना। ये पंडित पंडित है या गधा है? ये भी मंत्री जी ही बहुत अच्छे से कह सकेंगे महाराज। मंत्री, ये तुम्हारा बढ़िया पंडित है ना, तुम तो कहते थे बढ़िया है, ये तो गलत पढ़ाता है। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब महाराज, मुझसे तो थोड़ी सी गलती हो गई महाराज। थोड़ी सी? वो तो सब कुछ गलत लिख रहा है, और इसके लिए भी इतने पैसे, उसके लिए इतने पैसे, मजाक चल रहा है क्या? ए नकली पंडित, चलो चलो सब कुछ निकालो, सब पैसे निकालो, पूरे पैसे निकालो। भगवान, महाराज आप? मैं सारे पैसे गिन कर लूंगा। निकालो निकालो, मैं कहता हूँ निकालो। पता नहीं कहाँ से गलत आदमी उठा कर लाया है। देखिए महाराज, अगर पैसे उसके पास रहेंगे तभी तो वो निकालेगा ना। मतलब? मतलब तो फिर सुनिए महाराज, निकालने का तो कोई काम है ही नहीं, सिर्फ बेड का सोना है, और महाराज के पास से इस पाठशाला को चलाने के लिए पैसा लेना है बस। पैसे लेने के लिए मैं जाऊंगा ना महाराज के पास? पहले मैं महाराज के पास से पैसे लूंगा, और उसके बाद उसमें से तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, समझे तुम? ठीक है ना? गधा, चोर कहीं का? आज मंत्री, आज अगर तुम मिल गया ना तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ कर झटका दूंगा। रुक रुक, इधर रुक। गोपाल दादाजी, गोपाल दादाजी, ओ गोपाल दादाजी, ये देखो मेरा वाला देखो। अरे तेरा वाला हटा दो। नहीं नहीं दादाजी, आपको मेरा वाला देखना पड़ेगा। इस बार की पूजा में ये वाली साड़ी बहुत चल रही है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी दिखाने दो ना थोड़ा। मेरे पूजा का नया कपड़ा तो दादाजी ने देखा ही नहीं। अरे बाबा, देखूंगा देखूंगा, सबका देखूंगा। तुम सब लोग मुझे कितना खुश होकर दिखाने के लिए आए हो। क्यों दादाजी, आपको सही में अच्छा लगा ना? मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा रे, लेकिन तुम सबके मुस्कुराते हुए चेहरों में मुझे एक चेहरा कम दिखाई दे रहा है। ओ, आप उल्टे की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है उसको शायद नया कपड़ा नहीं मिला है। अरे नहीं नहीं, महंगा कपड़ा नहीं खरीदा सोचकर शर्म के मारे यहाँ नहीं आ रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, छी 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 छी, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। ये भला कैसी बात? वो देखिए देखिए, गुल्टे भैया भी आ गए, और हाथ में एक प्लास्टिक बैग भी है, इसका मतलब नया कपड़ा है। मजा आएगा मजा आएगा। चल चल गुल्टे, दिखा तेरे कपड़े, दिखा दिखा जल्दी। ये क्या हुआ, ये तो फटा हुआ कपड़ा है। आखिर ये क्या हो गया, नया कपड़ा लेकिन फटा हुआ? नहीं नहीं, कुछ मामला अजीब सा लग रहा है मुझे। हाँ, अरे आइए आइए आइए, आज आइए, आज से मेरे यहाँ मिलेगा आपके पसंद का कपड़ा। कहिए ना कहिए, क्या चाहिए आपको कहिए। ओ बाबा, इस साल तो इस दुकान से काफी अच्छी खरीदारी हो रही है। अरे बाबा, यूं ही क्या बनिए दोनादन दान के साढ़ू की दुकान जो ठहरी, तभी इतनी भीड़। अरे नहीं नहीं, सब लोग कह रहे हैं कि दुकान में चीजें काफी सस्ती हैं। हाँ, चले आइए, पानी के दाम में पाइए मिनरल पानी। कौन सा लेंगे, बहुत सस्ता मिल रहा है। चल 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 चल, भीड़ बढ़ने से पहले ही हम लोग खरीद लेते हैं, चल चल चल। क्यों रे गुल्टे, ऐसे गुमसुम ना रहकर झट से बोल डाल, क्या हुआ? ये किस दुकान का कपड़ा है? अरे बाजार के उस बड़े दुकान का, उसी दुकानदार ने मुझे ठगा है। अच्छा अच्छा, वो तो उस बनिए की दुकान है, सुना है वहाँ बड़े सस्ते में चीजें मिलती हैं। है? हाँ, लेकिन घर पर आकर नया कपड़ा खोलकर देखता हूँ कि वो फटा हुआ है। हे भगवान,
ये भला क्या बात हुई, नया कपड़ा फटा हुआ? नहीं, तू अभी के अभी जा और उस दुकानदार को कपड़े वापस करके आ, समझा? दुकानदार क्या कपड़ा बदल देगा? ओहो क्या मुसीबत है, बिना दुकान पे जाए कैसे पता करेगा तू? हाँ जा जा जा, जल्द जल्दी से वापस दे कर आ उसे। कपड़े का रंग एकदम असली है, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसका नाप भी एकदम ठीक ठाक है। पूरा कृष्णनगर ढूंढेंगे तो भी ये चीज कहीं नहीं मिलेगी आपको भैया। ये सब बाहर से मंगवाया है हमने, फॉरेन माल है फॉरेन। वो आप चाहे कहीं से भी मंगवाएं, लेकिन ये क्या फटा हुआ कपड़ा? क्या फटा हुआ? कहाँ फटा हुआ है? दिखाओ 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 तो। सारे बच्चे पूजा के लिए कपड़े खरीद कर कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं ना? सब कुछ ठीक है, सिर्फ बेचारा गुलटे का मन बहुत खराब है, समझ गई भगवान? सच में वो दुकानदार भी बेचने बैठा है, लेकिन वो भी फटा हुआ कपड़ा, बेचारे का नया कपड़ा। भला दुकान में क्या हुआ होगा किसे पता। आ गया, क्या हुआ रे गुलटे, बात क्या है? हा? दिया 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 क्या, बदल के दिया क्या? बदल कर देगा, अरे दुकानदार ने तो लेकर भी नहीं देखा। इसका मतलब? इसका मतलब कि दुकानदार मानने के लिए ही तैयार नहीं कि नया कपड़ा ऐसे फटा हुआ था। ये देखो इधर। अच्छा फटा हुआ है, कहने से हो गया। तुम जो भी कहोगे मान लेंगे क्या? इसका मतलब आप ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से कोई कपड़ा उठा कर ले आया और कहते हैं कि इस दुकान के कपड़े फटे हुए हैं। मैंने तो यहीं से कपड़ा खरीदा है। चुप रहे, चूहा कहीं का। और आप यहाँ फालतू की बकवास ना करके आप घर जाइए, वरना उल्टा उस दुकानदार ने हम लोगों को अपमान करके दुकान से भगा दिया। हे भगवान, देखो क्या अजीब बात है। ओहो, इस बार लगता है मैं मामला पूरी तरह समझ गया हूँ। हाँ, जैसे एक काफी नहीं था, साथ में एक और को ले लिया। इन सब में भला राम सुग्रीव कहाँ से आ गए बताइए? समझोगी भगवान, वक्त आने पर सब समझ जाओगी। अभी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बस हम लोगों को अभी की अभी निकलना होगा। तभी तो मैं सोचूं कैसे कपड़े इतने सस्ते दाम में दे रहा है। इधर आइए, कहिए ना क्या चाहिए, कहिए। मुझे एक या दो नहीं समझे, मुझे 100 कपड़े चाहिए होंगे। 100 कपड़े? क्यों भाई, कम बोल दिया क्या मैंने? कम? नहीं, इतने कपड़े तो मेरे पास अभी नहीं है। ओ अच्छा नहीं है, तो फिर कपड़े लाने का इंतजाम करो। इस बार लगता है एक बड़ा दांव खेल सकता हूँ। हाँ, वो मैं मंगवा दूंगा। हाँ लेकिन लेकिन क्या? 100 मिलाकर 25 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगे। अरे सुनो, सामान मिलते ही मैं तुम्हें हाथों हाथ पैसे दे दूंगा। हाँ तेरी की, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। बताओ तुम क्या समझ नहीं पा रही हो? अरे जिस दुकानदार ने गुलटे को ठगा है, आप उसी के दुकान से इतने सारे कपड़े खरीदने क्यों आए, और इतने पैसे भला आपको कहाँ मिलेंगे? अरे भगवान, इतने सारे सवालों का जवाब जाने बिना सिर्फ एक बात जान लो, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, समझ गई? गोपाल को तो मैंने कह दिया था, लेकिन 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 क्या? इतना सारा सामान अब मैं कहाँ से लाऊं, बोलो। मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लूंगा, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, और गोपाल को टोपी पहनाने का यही मौका है। क्या गोपाल को टोपी पहनाओगे? हाँ, टोपी, और कोई ऐसी वैसी टोपी नहीं, एकदम हनुमान टोपी। अरे गुलटे मायूस मत हो। हाँ, गोपाल दादाजी जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, इस दुकानदार को अच्छा सबक सिखाएंगे। नहीं, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, मामला बहुत गड़बड़ वाला है। गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं बच्चों, रास्ता बिल्कुल सीधा है।
अरे गोपाल दादाजी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? तुम लोगों के दादाजी का दिमाग खराब हो गया है। उस दुकान में जाकर भी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल आए। नहीं नहीं, हमारे दादाजी का दिमाग खराब हो ही नहीं सकता। ये देखो, तुम लोगों ने जिस तरह मुझ पे भरोसा किया है ना, मैं भी उसी तरह तुम लोगों पे भरोसा करके एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। कैसी जिम्मेदारी? तो फिर सुनो, दुकानदार के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सावधानी से, उसे पता नहीं लगना चाहिए बच्चों। हैं क्या रे, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वही लाया है ना? एकदम चुन चुन कर भर के लाया हूँ। मैं कह रहा था बाहर से कोई पकड़ नहीं पाएगा ना। अरे वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे मुझे भी क्या कुछ समझ आ रहा है क्या? अब आपस में बकबक ना करके चुपचाप ध्यान से सुनो कि क्या बोल रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होगी पकड़ने की। बस 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 बस, तो फिर पूजा के समय सारा माल बेच डालूंगा। हाँ, गोपाल तो है ही और उनका बिल्कुल तैयार है। हाँ वो कहने की जरूरत है। अरे आपका दिमाग क्या सचमुच खराब हो गया है? अरे क्यों 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 क्यों, मेरा दिमाग भला क्यों खराब होगा? तो क्या आपने सारे पैसे जमा कर लिए हैं? और उसके साथ वो सब क्या है? क्या, कौन सा? वो इतने सारे ब्रश, और क्या है उस थैले में? अरे तुम भूल भी गई क्या, सीधी उंगली से क्या कहा था मैंने? नहीं 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 नहीं, समझ गई, बहुत अच्छी तरह समझ गई, और समझाने की जरूरत नहीं है। अरे चल चल, गोपाल दादाजी को अभी के अभी जाकर खबर देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी चलो। अरे खबर आखिर है क्या, वही तो समझ नहीं आया। वो तो जे समझने की जरूरत नहीं है, वो गोपाल दादाजी सही सही समझ जाएंगे। भला अब ये कौन सी मुसीबत है? अरे दरवाजा खोलोगे कि नहीं? खोलूंगा, वक्त होने पर सही में खोल दूंगा। भगवान मुझे इस खतरे से बचाइए। ओह, इस बुड्ढे को लेकर आखिर मैं क्या करूं? गोपाल दादाजी, सुनो, तुम्हारे दादाजी बहुत पहले कमरे में घुस गए हैं, और अंदर वो क्या करे है किसे पता। बोलो बच्चों, तुम लोग क्या खबर लेकर आए हो बताओ? अरे बैलगाड़ी से माल आया है। अच्छे से समझ नहीं पाए, पर वो दुकानदार कुछ कह रहा था, पूजा के वक्त कह रहा था सब बेच देंगे। हाँ हाँ, वो बनिया भी कह रहे थे कि सब कुछ तैयार है। वो तो तैयार ही है बच्चों, एक बार सिर्फ वो सामान मेरे हाथ लगना चाहिए। गोपाल भैया, अरे आप यहाँ? गोपाल भैया देखिए, सामान आते ही मैंने आपके घर तक पहुँचा दिया, ईमानदारी को लेकर कोई संदेह नहीं होगी। सच में इतनी सुविधा भला कितने लोग देते हैं कहो है? लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता गोपाल भैया। हाँ, बिल्कुल, आप कितने व्यस्त इंसान है, कितना काम है आपको। बहुत काम है, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ, अभी लीजिए, अभी देता हूँ। ये देखिए, ये लीजिए, देख लीजिए, एक दो, ये हो गए तीन चार। ये हो गए पूरे 25। ठीक है। अरे हाथ से फिसल कर गिर गया। सोना चाहे भीगा हो या सूखा। तो जब गिर गया तो फिर अब क्या करोगे? पैसों की पोटली को आपने पानी में गिरा दिया। हो एक भी काम क्या आप सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, बताइए। ये देखो, सामान देकर एकदम हाथों हाथ पैसे लेकर आया हूँ। ये हुआ ना मेरा साड़ू भाई। लेकिन जो भी कहो, गोपाल के दिमाग में बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। चलो, बकवास ना करके पैसों की थैली से स्वर्ण मुद्राओं को बाहर निकालो अब। हाँ, उसने गिन कर दिया है, ये देखो। क्या ये क्या है? अरे
अरे सही में सोना कहाँ गया? सारे तांबे के सिक्के निकले। क्यों, कुछ समझ आया? कुछ समझना बाकी है क्या? गोपाल ने ठग दिया। लेकिन अरे अरे लेकिन लेकिन करके बिना वक्त बर्बाद किए चलो, ये महाराज को बताना पड़ेगा वरना गोपाल के पास से पैसे नहीं निकल पाएंगे। हाँ, तुम्हारी किसी के नाम पर एक शिकायत है। हाँ महाराज, सच कह रहा हूँ, माँ कसम गोपाल ने मुझे बहुत ठगा है। क्या, गोपाल ने ठगा है? ये क्या, गोपाल गलत कर ही नहीं सकता है। आज चुप रहिए वैज्ञानिक। हाँ कहो, तुम क्या कह रहे थे? महाराज, स्वर्ण मुद्रा देने का बहाना करके उसने मुझे तांबे के पैसे दे दिए, यकीन कीजिए। ये क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता है। ए सुनो पहरेदार, पहरेदार जाओ अभी के अभी जाओ और गोपाल को यहाँ पकड़ कर लाओ। उसकी भला क्या जरूरत है महाराज, मैं खुद ही आ गया हूँ यहाँ पे। अब ये गोपाल ठग को अच्छा सबक सिखाया जाएगा। बात क्या है गोपाल, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? देखिए देखिए, जो भी आपने सुना है ना महाराज, वो आपने बिल्कुल सच सुना है। हाँ, लेकिन मैं इस मामले में भला क्या कर सकता हूँ? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि ये दुकानदार नए कपड़े पैकेट में डालता है, लेकिन बाहर निकालते वक्त पता चलता है कि कपड़े फटे हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही मैंने भी सोने की अशरफियां पोटली में डाली थी, लेकिन बाहर निकालते वक्त वो तांबे की बन गई महाराज। अब बताइए, क्या नया कहकर फटे कपड़े बेचता है ये दुकानदार? मर गए, इस टकले ने तो सबके सामने हमारी पोल खोल दी। महाराज के सामने शर्माना कैसा, खुद अपने मुंह से ही कह दो। अब कह दो, कहो। हाँ मतलब नहीं, असल में ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब है? नहीं महाराज, इस बनिए ने मुझे उस थोक बेचने वाले आदमी से मिलवाया था जो फटे हुए कपड़े बिल्कुल नए कपड़ों की तरह लपेट कर कम पैसे लेता है। और उसी वजह से गुलटे और उसके जैसे बच्चे पूजा के समय फटे हुए कपड़े पहनकर घूमते हैं। है? ये तो भयानक अपराध है। और तुम बनिए, तुम असल में मुजरिम तुम हो। यार तू खुद भी डूबा और मुझे भी डुबाया। नहीं नहीं, ना ही गुरु और ना ही शिष्य, मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, चाहे जो कुछ भी हो तुम दोनों को सजा मिलेगी। हाँ, सिर्फ गुलटे नहीं बल्कि उसके जैसे और 100 बच्चों को बिना मूल्य कपड़े देने होंगे दुकानदार। और तुम बनिए, तुम खुद वो सारे कपड़े उनके घर जाकर दोगे, समझे? क्या, इतने सारे बच्चे कहाँ मिलेंगे महाराज? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। और गोपाल, उन सोने के अशरफियों को तांबों का कैसे बना डाला तुमने? मतलब खास कोई रासायनिक का प्रयोग या कोई मंत्र? मैं हूँ एक सहज इंसान और सहज काम ही करता हूँ। तांबे के पैसों पर सोने का रंग चढ़ाकर मैंने दुकानदार को दिखाया था, पर देने से पहले उसे पानी में भी डाल दिया था ताकि वो रंग फिर से धुल जाए महाराज। वाह, हाँ सच में गोपाल, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं है। इस बार मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। ये लो 10 स्वर्ण मुद्राएं, समझे? ये लो, ठीक है ना? लेकिन महाराज, अरे डरो मत, ये सब असली हैं। और ये लो, ये तुम्हारे वाले जैसे रंग चढ़े हुए नहीं है। महाराज, पूजा तो नजदीक आ गई है महाराज। कहाँ आ गई, जरा बताओ तो कहाँ आ गई, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। पर जो भी हो, मैं बहुत परेशानी में हूँ भाई। क्यों महाराज, परेशानी भला किस बात की? वाह, परेशानी क्यों नहीं होगी? अरे इस बार पूजा के दौरान भला मौसम कैसा रहेगा, मतलब बारिश होगी कि नहीं, यही सोच के परेशान हूँ मैं, समझे गोपाल? ये सब क्या परेशान होने की कोई चीज है भला महाराज? अरे महाराज, पंडित जी भला किस काम के है फिर भला है? हाँ, बात तो तुमने वैसे कुछ गलत नहीं कही मंत्री, लेकिन क्या वो कर पाएंगे, मतलब सही से जांच कर पाएंगे वो कैसा रहेगा मौसम पूजा के समय? मतलब पिछली बार तो उन्होंने लटका दिया था मुझे। क्यों नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो ही तो काम कर सकते हैं। वो भूगोल के बारे में पंडित ने कितनी पढ़ाई की है भला? अगर वही सच होता तो फिर पंडित की पिछली बार की भविष्यवाणी सच हो जाती ना, लेकिन वो तो हुई नहीं महाराज। अरे गोपाल, सब मामलों में इतनी टांग मत अड़ाया करो, तुम्हारी टांगे छोटी हो जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको, आज तो पंडित आया ही नहीं,
तो फिर किसी को भेजकर उसे बुलवा लेते हैं। है कोई है यहाँ? नहीं महाराज, पहरेदार से नहीं होगा। देखता हूँ, आज शाम को मैं खुद ही चला जाऊंगा वहाँ। वाह वाह वाह, यहाँ पर तो पंडित के लिए चिंता का सैलाब उमड़ रहा है मंत्री के दिल में। ठीक है ठीक है, वही करो। मेरा मतलब है कल वो जरूर आ जाएगा यहाँ। मैंने कहा ना महाराज, परेशानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी सारी परेशानी मेरी परेशानी है और मेरी सारी भावनाएं आपकी भावनाएं हैं। वाह वाह वाह, कितना मस्का लगाकर बात कर रहा है। देखता हूँ पंडित के मौसम की भविष्यवाणी आखिरकार सच होती है या नहीं। हे भगवान, इस बार जब आपने मेरी तरफ आंखें उठाकर देखा है तो अब कुछ दिन तक मुझसे अपना मुंह मत मोड़ लेना भगवान। इसका फायदा उठाकर महाराज से काफी अच्छी रकम अपने निकाल सका हूँ मैं। भगवान, हे भगवान, अगर मेरा काम मेरे इरादे के मुताबिक होता रहा ना तो तुम्हारे लिए एक क्यों एक दर्जन जूते खरीद कर लाऊंगा मैं। वाह वाह पंडित, ये क्या बना रहे हो तुम? वहाँ कुछ बना रहे हैं महाराज, ये तो लगता है एक बच्चा टिक टैक टो खेल रहा है। किसे टांग अड़ा रहे हो तुम? वैसे ही तुम छोटे कद के हो, तब तो तुम्हारी टांग भी छोटी हो जाएगी। क्यों? हो गया है महाराज, लेकिन मुझे जो दिख रहा है देखकर तो हालत बहुत खराब लग रही है। क्यों 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 पंडित, इस बार भी बारिश होगी क्या? होगी क्या, क्या मतलब महाराज, होगी ही, और थोड़ी बहुत बारिश नहीं, बहुत मूसलाधार बारिश होगी चारों ओर। गई भैंस पानी। सुनो, इस बार क्या होगा मंत्री? हा? मैंने कहा था ना महाराज, आपकी जो भी चिंता है वो सब मेरी और मेरी सारी भावनाएं आपकी। बस फिर शुरू हो गया बेमतलब सैलाब का उमड़ना। इतना परेशानी की क्या बात है, अभी से तिरपाल बनाने का आदेश दे दीजिए। देखिएगा, पूजा से पहले पहले सब तैयारी हो जाएगी। ये तो तुमने बहुत अच्छी तरकीब निकाली मंत्री। बड़े बड़े तिरपाल चाहिए होंगे महाराज, पंडाल रास्ते सब ढक दूंगा। बारिश ही क्यों, बारिश की जगह बाढ़ भी आएगी ना, तो पूजा का कोई भी नुकसान नहीं होगा महाराज। तो फिर और क्या चाहिए, मेरा मतलब तिरपाल बनाने की बात करो दुकान पर जाकर। उसके लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना महाराज। अच्छा, तो फिर यही थी योजना इस मंत्री की। ये लो, और चाहिए तो मुझे बताना। हा? जरूर कहूँगा महाराज। अरे आपकी पूजा मतलब हम सबकी पूजा। लेकिन इस बारिश को लेकर मैं बड़ी दुविधा में हूँ मंत्री। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था महाराज, आपकी सारी चिंताएं मेरी और मेरी सारी भावनाएं आपकी। लेकिन बेटा चतुर मंत्री, तू आखिर पैसे लेकर बाजार में कहाँ जा रहा है, ये तो मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे तुम्हारा इरादा कुछ खास ठीक नहीं लग रहा है। वो रही तिरपाल की दुकान। अरे क्या हुआ, उस तरफ ना जाकर बाईं ओर क्यों चला गया? तो फिर जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है क्या? मतलब मंत्री महाराज से तिरपाल के लिए गए पैसे खा जाएगा, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? नहीं, थोड़ी देर और देखता हूँ। ये क्या, मंत्री तो औरतों के जूतों की दुकान में घुस गया। देखो इसको, ओहो, महाराज के पास से तिरपाल के लिए पैसे लेकर खुद की बीवी के लिए जूती खरीद रहा है ये। अच्छा अच्छा, इस मंत्री को कोई डर भी नहीं लगता। वो देखो निकल रहा है हाथ में जूती लेकर। तो फिर क्या उसके दिमाग में और कुछ चल रहा है क्या? क्यों मंत्री, अरे पूजा तो बस आ ही गई समझो, तो तुम्हारे तिरपाल का काम कहाँ तक पहुँचा? हाँ, मैं आज ही आपको बताता हूँ। हाँ, जिसे महाराज अगर नहीं पूछते तो खुद से कहता, जैसे हम जानते नहीं। बढ़िया बढ़िया, तो तुम्हारा काम आगे बढ़ रहा है। हाँ? मतलब तिरपाल बन रहा है ना? जोरों शोरों से, लेकिन महाराज और पैसे की जरूरत पड़ेगी। मेरा मतलब काफी बड़े बड़े तिरपाल है ना, और अच्छे कपड़े से बन रहे हैं ना। अरे मैं क्या ये सब तुमसे पूछ रहा हूँ क्या? ये लो कुछ और पैसे ले लो, ये लो। मामला तो बहुत ही संदेहजनक है। अरे भैया, जरा बताओगे महाराज के महल से क्या कोई नया काम आया है? कैसा काम? कैसा भला, तिरपाल बनाने का काम?
तिरपाल बनाने का? जी नहीं। जरा अच्छी तरह अपना खाता वगैरह देखकर बताइए। मुझे अपना खाता देखने की जरूरत नहीं होती, समझे? मेरा दिमाग ही मेरा खाता है। समझा, लेकिन आप सही कह रहे हैं ना कि महल से मंत्री आकर आपको तिरपाल बनाने का कोई काम देकर नहीं गए हैं? कौन मंत्री? किस चीज का मंत्री? अरे आप कृष्णनगर के मंत्री को नहीं जानते हैं क्या? किसे पता, पहचान भी सकता हूँ, पर चाहे मंत्री हो या कोई और, यहाँ कोई भी नहीं आया, समझे? हाँ सही कह रहे हो। सुनो, मैं एक चीज बार बार नहीं बोल सकता, अभी यहाँ से चुपचाप निकल जाओ बेटा, काम के समय इतना बकबक करने से काम नहीं होता है, समझे? मंत्री ने तिरपाल की दुकान में पैसे नहीं दिए, ये बिल्कुल पक्का है। तो फिर तिरपाल के लिए महाराज से लिए हुए पैसे ये मंत्री जरूर चट कर गया, और वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा ही है। लेकिन अगर पंडित की बात सच हुई और अगर बारिश ने पूजा के माहौल को बर्बाद किया, फिर तो तिरपाल भी काम नहीं देगा और सारी पूजा खराब हो जाएगी। क्या इतनी सब बातें मंत्री को समझ नहीं आती? नहीं, वो जरूर समझता है, पर इतना निश्चिंत होकर वो पैसे को कैसे दबा रहा है? अरे मंत्री, ये कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है ये? हाँ, इधर तो पंडित का घर है। इस समय पंडित के घर जा रहा है, मगर क्यों? तो फिर मंत्री के साथ पंडित भी जुड़ा हुआ है इसमें। हाँ, लगता है दिमाग में सारी बातें धीरे धीरे साफ हो रही है। हाँ, चलो बेटा गोपाल, अब आगे बढ़ो, इनकी बातें तो सुननी पड़ेंगी। वो रहा पंडित के घर जा रहा है। अच्छा, तो अभी पीछे की ओर जाकर दीवार पे कान लगा कर सुनता हूँ। अगर कोई बात सुनाई दे जाए तो। ओह, इतना लेकिन मतलब मत किया करो। सुनो, इस कृष्णनगर में पूजा के समय मौसम कैसा रहेगा उसके बारे में सिर्फ तुम ही बोल सकते हो। तभी तुमसे कह रहा हूँ कि इस बार जाकर कहना के। नहीं 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 नहीं, इस तरह बार बार झूठ बोलना तो। अरे झूठ कहाँ बोल रहे हो, तुम्हारी गिनती में गलती नहीं हो सकती क्या? हो सकती है कि नहीं? हाँ, वो तो हो ही सकता है। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ कि बस हो गया, अब इतने धीरे धीरे बात कर रहा है कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। अब समझ आया, सब कुछ साफ साफ है। लेकिन फिर भी दिल में एक झिझक अभी भी हो रही है। वो सब भूल जाओ अभी, वरना तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी क्या हालत कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, आपके कहे अनुसार ही काम होगा। ये हुई ना अच्छे बच्चे की तरह, तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा, अब धमका भी रहा है, इसका मतलब ये है कि यहीं पर कुछ घोटाला करके रखा है इस मंत्री ने पंडित जी के साथ। फिर तो ये घोटाला भी समझना होगा, लेकिन कैसे 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 वही तो सोचना है अभी। हाँ, सोचना पड़ेगा। उसने क्या कहा इतने धीमे स्वर में कि सुनाई ही नहीं दिया? क्या करूँ, सोच रहा हूँ, लगता है महाराज के पैसे डूब ही गए हैं। ये क्या मंत्री, अरे तिरपाल कब देगा दुकानदार? मतलब मैं देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा हूँ। धीरे महाराज, धीरे। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अभी एक और मुसीबत हो गई है महाराज। अब कौन सी मुसीबत आ गई? कल दुकान से वापस आते समय पंडित से मुलाकात हुई, तो वो उसी ने कहा कि बस समझ गया, वो अब पलट जाएगा। क्या हुआ पंडित? अरे बोलो बोलो, अरे महाराज के सामने डर या शर्म मत करो, अरे वो ही तो है हमारे माँ बाप। मेरा मतलब महाराज, असल में हुआ क्या है कि ये पंडित मरवाएगा मुझे। अरे तुतलाओ मत, अरे जो भी कहना है वो कह डालो ना, बोलो बोलो। हाँ, मैं कह ही देता हूँ। हुआ क्या है महाराज, मेरे उस दिन की भविष्यवाणी असल में गलत थी। मतलब कि मैंने फिर से गणना की और अच्छे से देखा कि इस बार पूजा के समय बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी महाराज। बेटा, मेरा नाम गोपाल है, कुछ बोलने से पहले ही समझ जाता हूँ मैं। वाह 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 वाह, ये तो अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, खुशी से मैं झूम रहा हूँ। अरे तो ये खबर तुम इतना मायूस होकर क्यों सुना रहे हो? असल में पंडित बहुत डर गया है महाराज, कि तिरपाल के लिए आपने इतने सारे पैसे दिए है ना, वो सारा कुछ बर्बाद जो हो गया है।
कल शाम को जो भी बातें हो रही थी अब सारी बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं मेरे लिए। अच्छा तो फिर उसकी यही योजना थी पैसे दबाने की। ठीक है चखाता हूँ उसे मजा। अरे जो पैसे गए सो गए, उन्हें जाने दो जाने दो। और अभी उसके बारे में सोचते रहने से तो कुछ होगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पूजा के दौरान बारिश नहीं होगी। मैं उसके बाद तिरपाल की दुकान पर गया था लेकिन वो लोग तो पैसे वापस नहीं देना चाह रहे थे महाराज, देखिए ना। ठीक है ठीक है, उतने पैसे के लिए दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुशी मनाओ कि इस बार पूजा के समय बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। बच गया। महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं तुम्हारी और कोई बात नहीं हो सकती यहाँ पर। वो भला कैसे होता है महाराज? तो फिर महाराज अगर कुछ दिनों बाद पंडित ने फिर से कहा कि पूजा के समय बारिश होगी इसलिए महाराज। बस हो गया। महाराज आप गोपाल को चुप करने के लिए कहिए ना, इस खुशी के मौके पर गुस्सा दिला रहा है मुझे। हाँ, ताकि ये खुशी दुख में न बदल जाए इसलिए इसलिए महाराज। तो फिर महाराज अगर कुछ दिनों बाद पंडित ने फिर से कहा कि पूजा के समय बारिश होगी तब क्या होगा महाराज? तब तिरपाल लाएंगे। लेकिन महाराज हमारी थोड़ी सी गलती पर आप हमें दरबार से भगा देते हैं, तनख्वाह काट देते हैं, पर पंडित के मामले में दूसरा नियम भला क्यों होगा है? मर गया रे। गोपाल ने बिल्कुल वही बात बोली जिसका मुझे डर था, अब क्या होगा? गोपाल तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। पंडित ने पिछले साल कहा था कि बारिश नहीं होगी पर हुआ क्या था महाराज? इस बार भी पहले कहा ही होगा, उसके लिए तिरपाल खरीदने की जिद की होगी, बहुत सारे पैसे खर्च किए गए। वो ठीक है लेकिन आज वापस आकर कहा है कि बारिश बिल्कुल नहीं होगी, ये क्या हो रहा है महाराज? भविष्यवाणी की पूर्व अनुमान में बार बार गलती ही होती है, तो फिर पंडित को शौक के लिए जोशी का खेल खेलने की क्या जरूरत है? ये सब भविष्यवाणियां करना उनका काम नहीं है महाराज, उनके लिए पाठशाला ही ठीक है। हमारे राज जोशी को हरिद्वार से वापस आने दीजिए, उसके बाद आप चाहे तो ये गणित किया जा सकता है महाराज। वो क्या तुम तय करोगे? क्यों? नहीं 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 नहीं, वो भला मैं क्यों करूंगा मंत्री जी, वो तो महाराज ही करेंगे। मैंने सिर्फ महाराज को हालात के बारे में बयां किया है और कुछ नहीं। गोपाल तो सही कह रहा है। क्यों पंडित, ऐसा क्यों हो रहा है? बोलो। नहीं मतलब असल में हुआ क्या है कि ये क्या मंत्री के तुतलाने की बीमारी अब तुम्हें हो गई? लगेगा नहीं, लगेगा तो जरूर, दो जनों के लिए मिलके ही तो ये सब किया गया है। क्या कर रहे हो? गोपाल के मन में जो भी आ रहा है वो कहे जा रहा है। क्यों पंडित जी, क्या मैं मन में जो आ रहा है वही कह रहा हूँ ना? अब सही बात बोलोगे या फिर नहीं बोलना है तो रहने दीजिए, सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। हाँ, और वो पाठशाला के छोटे छोटे बच्चों के सामने वो क्या कोई अच्छी बात होगी पंडित जी? हाँ बोलिए। गोपाल पंडित को डरा रहा है महाराज। मंत्री तुम चुप करो। क्यों पंडित, तुम्हारा मुँह अब क्यों बंद हो गया है? हाँ महाराज, मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। असल में कुछ दिन पहले। सुनो पंडित, मेरी बात सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? कल महाराज के पास जाकर उल्टा पुल्टा कुछ भी ये कहना कि पूजा के महीने में भयंकर बारिश होगी। लेकिन मैंने तो पहले ही देख लिया है, वैसी संभावनाएं तो कुछ भी नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ बस तुम उतना करो बस। नहीं नहीं, पिछली बार भी आपकी बात सुनकर ही फंस गया था मैं। और नहीं और नहीं और नहीं, तो फिर मैं देख लूंगा कि किस तरह तुम नौकरी कर सकते हो यहाँ पर, देखता हूँ तुम्हें। अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, मैं बोलूंगा। ये हुआ ना अच्छे बच्चे की तरह। और फिर कल वापस मंत्री ने तुम्हें पलटी मारने के लिए कहा है ना? बोलो। हाँ। नहीं महाराज नहीं, ये सब जो गोपाल का षड्यंत्र है महाराज, और ये पंडित तो सफेद झूठ बोल रहे हैं महाराज। वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ए, पकड़ो मंत्री को, पकड़ो अच्छे से, जोर जोर से कम 33 बार इसके कान मरोड़ो, मरोड़ो उसके कान। महाराज आप कहें तो मैं वो दायित्व ले सकता हूँ। लो लो लो, किसने मना किया है? और इसके बाद मंत्री के घर जाकर सारे पैसे वापस लेकर आना, उसके बाद मैं उसे चखाता हूँ मजा। क्या आखिर गोपाल के हाथों से सजा मिलेगी मुझे? जी 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 जी, शर्मिंदगी की सीमा होती है कोई। समझे? इस बार मैं सोच रहा हूँ कि पूजा के समय मैं एक नई चीज करूँगा। हाँ,
पूजा तो हर साल आती है महाराज, इसमें भला आप नया क्या करेंगे महाराज? कोई ऐसी चीज करूंगा जिसे देखकर सब के सब एकदम भौचक के रह जाएं। वो क्या चीज है महाराज? अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग ही सबसे पहले कहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ इस बार पूजा में। हाँ बता। ओ माँ, जो बात है आपके मन में वो भला कैसे आएगी हमारी जुबान पे? हाँ ठीक है, तो फिर सुनो, इस बार पूजा का पंडाल मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा। अलग तरीके मतलब? इतने दिनों से आप देखते आए हैं सिर्फ कपड़ों के तिरपाल ढककर बनाए हुए, लेकिन इस बार देखिएगा गुड़ियों से बने हुए पंडाल। क्या नहीं बल्कि हाँ, सिर्फ गुड़ियों के सहारे पूरे पंडाल को सजाया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं महाराज? वाह, अच्छा ये रहा एक और मौका और थोड़ा पैसा कमाने का। लेकिन इसके लिए तो काफी ढेर सारी गुड़िया चाहिए होंगी ना महाराज? इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, खर्च भी कुछ नहीं है। क्या? झूलन यात्रा के समय गोपाल के पोते पोतियों को जो भी गुड़ियाएं मैंने दी थी वो सारे ले आना, ठीक है? गया रे, पैसा कमाने का मौका हाथ से निकल गया। हाँ, ये है, आपने बहुत ही अच्छी बात सोची है महाराज, इससे आपका खर्च भी बचेगा और दूसरों की आमदनी भी घटेगी महाराज। गोपाल तुम बच्चों से थोड़ी थोड़ी करके गुड़ियाएं ले आना, ठीक है ना? जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आज्ञा महाराज। समय का जरिया बंद हो गया तो क्या हुआ? गोपाल को फंसाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है मेरे पास। संजा, अगर हम उन गुड़ियों को चुरा लेंगे तो वो बोना गोपाल अच्छी तरह से फंस जाएगा। इसके लिए इतना परेशान क्यों है मंत्री जी? केले पोचा है ना? तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। अरे अगर केले पोचा गोपाल जितना चालाक होता तो फिर बहुत ही अच्छी बात होती, समझे? तो फिर अब क्या कर सकते हैं? वही तो सोच रहा हूँ। अगर केले नहीं कर पाया और कितने चोर हैं कृष्ण नगर में, किसी की मदद से वो काम करवाने से ही चलेगा, समझे मंत्री जी? इतना आसान नहीं है चाचा, केले के जैसे हम सबके घरों का चप्पा चप्पा किसी और को पता है क्या? ठीक है मंत्री जी, ठीक है, रुकिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखना कुछ नहीं चलेगा, काम को जैसे तैसे करके करवाना ही होगा। लेकिन थोड़े बहुत पैसे अगर मिल जाते तो? ओहो, तुम लोग बहुत परेशान करते हो, ये लो। आप निश्चिंत रहिए, काम आपका हो जाएगा। तो समझ आया ना नया वाला मामला? अरे वाह, ये बात ही बढ़िया होगा गोपाल दादाजी। ऐसा किसी ने पहले नहीं देखा होगा ना? तभी तो। लेकिन अगर पंडाल देखने आकर कोई गुड़िया चुरा ले गया तो? चोरी से अच्छी बात याद दिलाई है तूने नेपला। वो गुड़िया किसके पास है रे? मेरे पास कुछ और नेपला और पुटी के पास कुछ है। अच्छा सुन, सावधानी से, कोई खतरा नहीं होता है, तुम उन्हें अपने पास ही रखना, समझे? क्यों गोपाल दादाजी? टेपा, तेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है क्या? क्या मेरे दिमाग में कुछ ना हो तो क्या हुआ? तेरे दिमाग में तो है बहुत सारा गोबर। अरे रुक, क्यों गोपाल दादाजी, क्या वो गुड़िया चोरी हो सकती है क्या? अरे बुद्धू, उसी वजह से तो दादाजी कह रहे हैं सावधानी से रखने के लिए। अब क्या होगा गोपाल दादाजी?
लेकिन मैं सोच रहा हूँ सबके घर से एक ही रात को चोरी हो गई, सारी गुड़िया गायब। आप क्या सोच रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? वरना और कुछ चोरी नहीं किया गया, सिर्फ चुन चुन कर वो गुड़िया ही चुरा ली गई हैं। आपने सही कहा गोपाल दादा जी, मैंने कितनी बार दीदी से कहा कि वहाँ पर मत रखो। तू चुप कर, वो तुम जहाँ भी रखते वो वहीं से चोरी कर लेता है। लेकिन जब महाराज पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ बेटा गुलटे, हमारी वजह से आप बेकार में झमेले में फंस गए हैं ना। अरे धत पगले, अरे तुम लोगों के लिए झमेला नहीं लूंगा तो किसके लिए लूंगा बोलो है। सो ही नहीं पाया। आपका पेट गड़बड़ हो गया? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था गुड़िया लाकर पंडाल बनाए, मतलब वो कैसे होने वाला है समझे, वो सब सोचकर मैं सो ही नहीं पाया। लेकिन महाराज आप कह तो रहे हैं कि आप गुड़िया से सजाएंगे, पर पंडाल से गुड़िया चोरी नहीं हो जाएगी? वैसे पहरेदारी करनी पड़ेगी। हो रही है। लेकिन महाराज गोपाल को तो कुछ गुड़िया लाने को कहा था ना। तुमने सही याद दिलाया, क्या एक बार सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। क्यों गोपाल, गुड़ियाएं कहाँ है? गुड़िया कौन सी गुड़िया, गुड़िया भला क्यों महाराज, बोलिए बोलिए। गोपाल तुतला रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है महाराज। बताओ तो तुम्हें हुआ क्या है गोपाल, क्या तुम कल कही हुई बात भूल गए? कल कौन सी बात हुई थी, कहिए 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 जरा महाराज, कहिए तो मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है तुम्हें ब्रह्मी साग खाना पड़ेगा तुम्हारी याददाश्त बढ़ाने के लिए। गोपाल भला ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच में महाराज कल क्या बात हुई थी कहिए तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, सच में कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे बाबा तुम्हें मैंने कहा था ना, अरे बच्चों से थोड़ी थोड़ी करके गुड़ियाएं लेते आना। अरे जिसको लेकर पंडाल बनाएंगे समझे। मुझे अब याद आया। हाँ लेकिन मैं ना महाराज बिल्कुल भूल गया था, इसलिए कुछ कह नहीं पाया इस बारे में। गया है और वो भी गोपाल, अरे बाप रे यहाँ जरूर दाल में काला लग रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो कल से गुड़ियाएं लाने का इंतजाम करो ठीक है समझे। जरूर महाराज जैसा आप कहें जरूर। लेकिन आखिर दाल में काला क्या है वो जानने के लिए तो गोपाल के पीछे पड़ना ही पड़ेगा। ओ, वो रहे वो लोग, सुन 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 इधर आजा आजा आजा। क्या हुआ गोपाल दादाजी? और करीब जाना होगा तभी समझ में आएगा क्या बातें हो रही हैं। गोपाल दादाजी क्या महाराज ने गुड़ियों के बारे में पूछा था? हाँ। तो आपने कुछ कहा? मैंने कुछ बोल दिया है। आपको खूब डांट पड़ी होगी ना? महाराज ने बहुत डांटा होगा ना? क्यों 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 डांटेगा भला क्यों, मतलब क्या गोपाल जानकर ही भूलने का नाटक कर रहा था क्या? सही पकड़ा है, लेकिन अब सुनना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जब महाराज को पता चलेगा कि चुड़िया चोरी हो गई है तब क्या होगा गोपाल दादाजी? क्या गुड़िया चोरी हो गई? सुनो महाराज को पता लगने से पहले ही चाहे जैसे भी हो गुड़ियों को ढूंढ कर निकालना होगा। लेकिन कैसे? वाह 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 वाह, जो चाह रहा था वही हुआ। लेकिन चोरी आती है किसने की है? पहले उस चोर को ढूंढ कर निकालना होगा। गोपाल इस बार अच्छी तरह से फंस चुका है, समझ नहीं आया आखिर चोर है। जो भी हो मंत्री चला गया, अब सुनो मंत्री को देखकर लग रहा है कि उसे पता नहीं है बच्चों। तुम लोग थोड़ा बोटा और घोटा के ऊपर नजर रखो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। भाई क्या खबर है? खबर तो आप सुनाएंगे मंत्री जी। मतलब ये कि आपने जो काम दिया था कर ही नहीं पाएंगे और वही हुआ है समझे। गुड़ियाओं की चोरी तुम लोगों ने की है? क्या बात करते हो मंत्री जी,
हम देखने में क्या चोर लगते हैं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं। वो सब बातें छोड़ करके थोड़े बहुत पैसे दीजिए हमें मंत्री जी। वाह 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 वाह, आपके लिए काम करवा दिया और उसके लिए क्या आप हमको कुछ पैसे वगैरह भी नहीं दोगे क्या? अच्छा अच्छा, देता हूँ, लेकिन तुमने काम कैसा किया ये तो बताओ। तू फिर सुनिए। मेरे साथ रहकर तुम लोगों का दिमाग भी चलने लगा है। लेकिन केले, चोरी कौन कर सकता है बोलो तो? हैं, बोल के भी क्या होगा गोपाल, आजकल ना बहुत सारे नए लड़के आ गए हैं इस काम में, सबको तो मैं अच्छे से पहचानता भी नहीं हूँ, क्या करूँ? कोई बात नहीं, मुझे खबर है, क्योंकि वो या खुद दरबार में मौजूद था या तो किसी और से ये काम करवाया है उसने, और तो कोई तरीका मुझे नजर नहीं आता, इतना ही समझ आया। लेकिन आपको कैसे समझ आया मालिक? वो ऐसे समझ आया कि गुड़िया ही क्यों लेकर गया वो है। बोलो बोलो, इसका मतलब महाराज ने जो पुतले मंगवाए हैं वो उसे पता था। अच्छा एक बात बता, तेरी बीवी कहाँ है? तू खुद ही बैठकर खाना बना रहा है? मेरी बीवी अपने पिताजी के घर गई है पूजा के लिए नए कपड़े लाने। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू इतना उदास क्यों है? हाँ नहीं नहीं, वो ऐसे ही। अच्छा अब याद रख, जो मैंने कहा है वो कर देना, समझ गया? आप कह रहे हैं मालिक और मैं करूंगा नहीं, वो भला क्या कभी हो सकता है क्या? यहाँ पर कैद करते समय याद नहीं था। अरे बेटा, काम तो हो गया है, आप तो इन्हें छोड़ सकते हैं ना? दिमाग खराब है, मंत्री जी ने कहा है जब तक गोपाल टकले को महाराज के पास सजा ना मिले इन्हें छोड़ा नहीं जाए, समझ गए तुम? पर क्यों? तुम लोगों के दिल में इतना डर क्यों है आखिर? जाकर झट से महाराज से कह दे कि उसने वो गुड़िया चुराए हैं। फिर तो इतनी मेहनत से बनाया गया खेल पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाएगा, क्यों? हाँ बोलो। सुना ना तूने, सुना ना तूने क्या कहा? हाँ, तो फिर और देर करके क्या होगा, चल गोपाल दादा जी के पास चल चल। सही कहा, चल दौड़ लगाते हैं। पूरा खेल मुझे समझ में आया, समझो आप क्या करोगे गोपाल दादा जी? सबका पर्दाफाश करूंगा आज मैं। क्या गोपाल आपकी गुड़िया लेकर आया है या आज फिर से भूल गया वो? वाह वाह, सुबह सुबह एकदम असली बात याद करा दी तुमने। तो फिर गोपाल गुड़ियाएं लाए हो के नहीं? महाराज अब वो गुड़िया और नहीं है महाराज। क्या 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 कह रहे हो तुम? चोरी हो गई है महाराज। मतलब क्या? महाराज के इतने चहेते गुड़िया चोरी हो गए? छी 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 छी, कुछ गुड़ियाएं थी और वो भी तुम्हारे पोते पोतियां सावधानी से नहीं रख पाए गोपाल। हाँ छी 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 छी, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं होगा महाराज, कठोर सजा, कठोर से कठोर सजा सुनानी होगी गोपाल को, कठोर सजा सुनाओ महाराज गोपाल को। तुम्हारे पोते पोती की लापरवाही की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही गोपाल, मिलेगी। महाराज गोपाल को कृष्ण नगर से बाहर कर दीजिए महाराज, हमें बहुत परेशान किया इसने। हाँ हाँ, कल से तुम और तुम। मैंने कहा कि चोरी हुई है, लेकिन चोर कौन है वो भी तो मुझे पता है महाराज। हाँ क्या? महाराज गोपाल फिर से चालाकी कर रहे हैं महाराज, आप उसे सजा सुना दीजिए सजा। वाह, चोर को बिना पकड़े मुझे सजा देंगे महाराज? किसने 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 की चोरी? कहो कहो। केले पोचा ले। हा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 ह
समझ गया। सजा के डर से तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है गोपाल, तुम बौखला गए हो गोपाल। अरे केले जो तुम्हारी छाया को भी देखकर प्रणाम करता हो, वो भला तुम्हारे पोते पोतियों की गुड़िया चोरी करेगा। बहुत हंसी है महाराज, अब असली काम किया जाए महाराज। तो फिर केले को लाया जाए, उसी से हम लोग सुनेंगे असली बात क्या है महाराज। नहीं महाराज, मैं और चोरी, और वो भी गोपाल जी के घर पर, कभी भी नहीं। देखिए महाराज, गोपाल फिर से चालाकी करे जा रहे हैं, और अब समय बर्बाद न करके गोपाल को भगा दीजिए महाराज, भगा दीजिए कृष्ण नगर से बाहर। तो फिर केले, तूने तो चोरी नहीं की, लेकिन कल तूने कहा ना कि तेरी बीवी अपने बाप के घर गई है। गई है ना? हाँ, और कितने झूठ बोलेगा तू पोछा, लेकिन तेरी बीवी को तो बोटा और घोटा ने अपने घर में बंदी बना कर रखा है। महाराज, गोपाल की बकवास सुनकर समय बर्बाद मत कीजिए महाराज। मैं बकवास कर रहा हूँ? उल्टे और नेपला ने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे कहने से होगा ना? मैं पहले ही पहरेदार लगाकर बोटा घोटा और केले की बीवी को पकड़ कर लाया हूँ। हाँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, इन लोगों ने मेरी बीवी को बंदी बना कर रखा था, और अगर मैं चोरी नहीं करता तो मर गया। रे ये तो सब बोल रहे रे। हमारी कोई गलती नहीं है महाराज, सब कुछ मंत्री की वजह से हुआ है। नहीं महाराज, हाँ, गुड़िया चोरी करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था आपके मंत्री जी का। हाँ महाराज। अच्छा रुको, तो मैं चखाता हूँ तुम्हें मजा। अरे बाबू मर गया, मर गया महाराज, मर गया।